यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये क्लियर बीफ की पेटी लग रही है। यार आप खा चुके हो फिर भी देख रहे हो आप इतना उससे। ओ भाई ओ भाई नहीं, कोई मिस नहीं करता। अगर इनको कोई मिस करता तो इनको कमेंट्स में बोलता। हेलो जी, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। भाई काफ़ी ज़्यादा मुर्ग मुसल्लम हो गया था, आई मीन कढ़ाई देसी वेसी हम लोगों ने काफ़ी ब्लॉग बना ली, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो भाई शॉर्ट्स देखते हैं। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये क्लियर बीफ की पेटी लग रही है। अबे बीफ की पेटी नहीं, बीफ का लोटा। क्या कहते थे आप? ये नहीं बनाना। क्यों? खाने बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, इसलिए बोल रहा है ये बंदा। यार तुम तो हर चीज। ये कैमरा इनके मुंह पे आती है, सरप्राइज होगा। अचानक क्या हुआ ये बंदा सरप्राइज रहने के बाद वाली बात नहीं है आप, इसलिए मना करो। अच्छा, जो हमने जो ऑर्डर दिया है ना वो है 14 इंच का लोफ है, टर्की टाउस है, प्रीमियम रैप है, पनीरी सैंडविच है और रैप टेरिया। तो ये हमने जो ना अभी ऑर्डर दिया जिसमें 2 चिकन के और 3 बीफ के आइटम हैं। तो वैसे तो चिकन में इतना ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं करते जहाँ बीफ हो, बट फिर भी हमने सोचा कि जब आए हैं तो ट्राई करते हैं। तुम लोगों के सजा मिली हुई है भाई, हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का। हमने बीफ का ऑर्डर दिया हुआ, बीफ है और कुछ चिकन है, देखते हैं आता है। क्योंकि यहाँ से तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। शफीक भाई तो फुल जो ना नज़र लगा के आए हैं। तो शफीक ने शोल्डर इतना ऊपर किया ना, गर्दन नजर नहीं आ रही शफीक की। देख लो आप, लग रहा है मुँह रखा हुआ ऊपर। बट यार बड़ा मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड में इस तरह के ऑप्शन आना, मतलब इसमें सॉसेज भी है, टर्की बेकन भी है, बहुत सारे ऑप्शन इन लोगों ने रखे हुए हैं। और हुसैनाबाद पे ये एक यूनिक चीज़ है, सो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन अच्छी है मेरी। हाँ शफीक भाई ये आएगा तो अभी तो ऑर्डर लगा ही नहीं है हमारा। हाँ कुछ जाओ मुँह में लेके कुछ हमारे पास। अभी इस वक्त 14 इंच का जो लोफ है वो आ चुका है, फुल फिलिंग हुई हुई है इसमें, जूसी वाली। अभी दूसरे सैंडविचेस रहते हैं, रैप रहता है। तो भाई इस पर मेरा हक बाद में होगा, पहले बाबा। आप लेकिन काफ़ी देर से बाबा जो ना खड़े हुए थे स्टॉल पे, शफीक भाई भी खड़े हुए थे। तो बाबा बिस्मिल्लाह करें। अच्छा नाइफ है। बाबा कह रहे नाइफ है भाई। मैं बिस्मिल्लाह कर दूँगा। हैप्पी दूसरा कटर था ना यार, वो कटर था ना, कटर। ओए बाबा ये चेक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। नहीं गरम नहीं है, इतना गरम लग तो नहीं रहा मुझे। हो गया है नहीं, आप इसमें लगा देंगे बाबा। अच्छा चूँकि इतना टेंडर है ना, फुल हाथ देखो जूसी से होगा। भाई लग गया जल गया जमाना कहीं। बाबा कैसा? अमेजिंग सॉसेज, बहुत आउट। वन मोर बहुत ही आउट क्लास है। ओ भाई ये एंड कर दिया बाबा की खाते में शक्ल कैसी बनती है। एंड कर दिया बाबा की खाते में शक्ल कैसी बनती है। वो जैसे गाय चारा खाती यार। ये देखो ये बिस्मिल्लाह ये शफीक भाई फुल जूसी। हमने बीफ सारा गिरा दिया। शफीक ने बोला मैं ही नहीं। शफीक ऐसी खा ले शॉट नहीं ले रहा तेरा। अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। जबरदस्त नहीं है। अब जबरदस्त है। अब जबरदस्त। चलो यार मैं इसमें से एक बाइट लेता हूँ। काफ़ी सॉसेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। एलपिनोज भी है और कैबेज भी है। अच्छा भाई एक और आ गया हमारा। कट करें थोड़ा। भाई विदाउट टिश्यू तो नहीं खा सकता मैं ये। यार बाबा मुझे लग रहा है हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। क्या ख्याल है? क्योंकि फिलिंग बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ ये पनीर आ चुका है। ये भी बीफ है। पेड़ की बेचन नज़र आ रहा है मुझे। चीज़ है इसके अंदर। फ्राइज है। हाँ बिस्मिल्लाह। यार अच्छी चीज़ ये है कि मीट की क्वांटिटी इन्होंने अच्छी डाली हुई है। और ना सिर्फ ये कि कैमरा देख के इन्होंने डाली है बट हमने और भी लोगों के ऑर्डर्स देखे तो मीट की क्वांटिटी अच्छी है इसमें काफ़ी जबरदस्त। एंड एंड आगे घर चले जाइए। भूख भी इतनी लगे ना रुका नहीं आ रहा। अच्छा इसके अंदर इन्होंने सॉसेज भी डाले हैं। और दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हुसैनाबाद स्ट्रीट में स्ट्रीट फूड में मुझे ये ऑप्शंस मिलेंगे। वाह भाई भाई इजाज़त है बिस्मिल्लाह का नहीं खाते। इजाज़त भी दे रहे। हाँ बाबा का मुंह छोटा पड़ गया यार। बहुत ये बाबा कभी दोस्तों को भी लाया ना खुद खाने से पहले। ओ यार खुद खाने से पहले बंदा दोस्तों को खिलाता। ये बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये दोस्ती टूट जाएगी टेंशन ना लो। ये नहीं टूटेगी दोस्ती कभी। अच्छा पहले ये तो तोड़ लो। ये तो टूट गया। जो तोड़ा ना वो तो तोड़ो। ये कांपते भी क्यों तोड़ो भाई। इतना इन्होंने सही पॉइंट पे मारा चक। जहाँ से डायरेक्ट मलाई पे। उन्होंने देखा प्राइस वहाँ है वहाँ पे नहीं मारो जहाँ पे मेरा पक्का दोस्त है। यार मेरे ख्याल से टिश्यू और मंगवाने चाहिए ठीक भाई क्योंकि बड़ा सॉसी सा है ना ये तो। अच्छा पहले जो है ना मैं अपने दोस्त संग को दिलाना चाहूँगा। खाओ नहीं खाओ इधर आओ। अरे हाँ यार ये देखो ये मेरा ये झूठी मोहब्बत नहीं है सच्ची मोहब्बत है। सही है। और ये फिर आपका भाई खाएगा। वो क्या सर अभी रैप भी रहता है। अभी दो और आइटम है। अभी एक बीफ का और दो चिकन का वो भी खाना है। तो अभी तो हमने खत्म कर लिया है। अभी 3 और चीज़ें रहती हैं वो भी। चलो भाई हसन के लिए जो बचा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। सही है बस थोड़ा वाइट है। अब जो चीज़ आएगी वो हसन ट्राई करेगा। ये चीज़ है भैया ये रैप भी आ चुका है और ये टर्की डोज भी आ चुका है। सो ये हसन ट्राई करने वाला है। दिखाओ ज़रा, इसमें टर्की का जो मशहूर कुछ वो है उसका ब्रेस्ट पीस डाला हुआ क्या है, कहाँ से खाऊँ? हाँ ज़्यादा मज़े का यार, आप खा चुके हो फिर भी देख रहे हो आप इतना उससे। नहीं वाकई बहुत मजे का ये। अभी आपके पेट में भी दर्द होने वाला है, ये देखो। मेरे साथ तो नहीं करो शॉपिंग। परफेक्ट है, अब तक सबसे अच्छा आइटम मुझे यही लगा। वो थोड़े से स्पाइसी थे, इसका स्पाइस नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मजे का। अच्छा ज़रा आसिफ भाई आप भी चख लो, आप काफ़ी देर से देख रहे हो यार। ये मतलब क्या है आपका भाई, देख तो सकते हैं यार। हैवी फील्ड हुआ हुआ है यार भाई, सॉस के साथ हैवी फील्ड हुआ हुआ है। बाबा मेरे ख्याल से ये रैप आप ट्राई करें, ये अमेरिकन करके कुछ है, ये अमेरिकन रैप है, ये आप देख रहे हैं। ये चिकन में हमने ऑर्डर किया था बाबा, कोई एक और रैप है। शफीक भाई चख लेंगे, अभी इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं कि आपका मुंह जलेगा। अरे भाई सॉसेस वगैरह लगातार आ रहे हैं। ये क्या क्या है, ये अमेरिकन रैप। हाँ कैसा मज़ेदार, लाइट से मसाले हैं, कम स्पाइसी जो खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके अंदर ये पूरे चिकन के प्लेट डले हैं, ये यहाँ पे भी भाई सबसे बेस्ट है। शफीक भाई ये ट्राई तो करें आप, इसमें पूरा ब्रेस्ट पीस डला हुआ इस रैप में। हाँ जी परफेक्ट है, ज़बरदस्त। सब ऐसा आप लोग खड़े हैं फ्रिक इन फ्राई के ऊपर। ये एक बेसिकली स्टॉल से स्टार्ट हुआ है, 2 साल पहले फ्रिक इन फ्राई सामने की ओर से स्टार्ट हुआ था, कराची एरिया के अपोजिट, और विंग्स एंड फ्राइज़ का स्टॉल था ये। बड़ी के मार्केट में हमने देखा कि सैंडविचेस की कैटेगरी बहुत शॉर्ट है और स्ट्रीट लेवल में सैंडविचेस नहीं मिलते। यूनिक क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे पास लॉफ सबसे यूनिक है, 14.5 इंच की बैट पर आता है, सबसे बड़ा सैंडविच है पाकिस्तान का। हमारा एक बर्गर केक है। अच्छा तो भाई आपकी फेवरेट जोड़ी है माशाल्लाह, ठीक है भाई हमेशा की तरह आपके सामने। कुछ लोग हैं जल रहे हैं हमसे भाई, मोटे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। तो मोटे लोग आपको दिखते होंगे इस ब्लॉग में, जो कि मोस्ट जेलस पर्सन है हमारे लिए, ठीक है। वो बंदा आजकल स्लिम हो रहा है भाई, डाइट पे आजकल। सर आप लोग हम लोगों को मिस कर रहे होंगे हमेशा की तरह। तो भाई खाना यहाँ का हमने खाया, वो आउट क्लास। तुम्हारा फेवरेट क्या था यार? वो टर्की टोस्ट जो था ना यार, लेवल था। नहीं कोई मिस नहीं करता, अगर इनको कोई मिस करता तो इनको कमेंट्स में बोलता तुम्हारी मिस नहीं करता। तुम्हारी मिस का नाम बताओ क्या? तो भैया हम लोग थे फ्रीक एंड फ्राई पे और हमने सोचा कि भाई कुछ नया ट्राई करते हैं। और बड़े मजे की बात ये है कि भाई ये 5 बजे शाम को शॉप खुलती है और रात के 5 मतलब सुबह के 5 बजे तक ये, इसके बाद माशाल्लाह लोग आते रहते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया हुसैनाबाद आपको पता है, बस थोड़ा सा पार्किंग का इशू है, बाकी यहाँ पे खाने आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और सोच रहे हैं हम आगे की भी कुछ जो है ना हम लोग व्लॉग जो है ना हुसैनाबाद में बनाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े आइटम्स है स्ट्रीट फूड जो है ना। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। और दूसरी चीज़ ये बड़े यूनिक एक्सपीरियंस था, स्पेशली स्ट्रीट के हवाले से, उनके पास आइटम काफ़ी अच्छे थे। आई मीन आप पनीरी ले लें, पनीरी सैंडविच हो, रैप हो या इनका लोफ हो 40 इंच का, तो ये बड़ा मज़ा आया, फिलिंग अच्छी थी। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको ये भी ट्राई करना तो आ सकते हो हुसैनाबाद, फिर भी आगा। चले जी इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।